जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग वाग्नर मीरवेन रीअरेंजमेंट MERWEIN वाग्नर मीरवेन रीअरेंजमेंट। ये कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन है। इट मींस इसमें भी जो कोई ग्रुप है वो एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम में शिफ्ट होता है। तो इस रीअरेंजमेंट में सबसे पहले होती है जनरेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। इट मींस एक कार्बोकेटायन बनता है, फॉलोड बाय वन टू अल्काइल शिफ्ट, फिर उस कार्बोकेटायन में अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, अल्काइल ग्रुप की माइग्रेशन होती है। वन टू का मतलब है सात सात वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। एक कार्बन से अल्काइल ग्रुप निकलते हैं और सात वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं टू जनरेट एनदर कार्बोकेटायन। ये बात इम्पोर्टेंट है कि फिर एक और कार्बोकेटायन बन जाता है, यानी एक कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर दूसरा कार्बोकेटायन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड वैगनर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने पूरा लिखना है, पूरे अल्फाज लिखने हैं, वैगनर मीरवेन रीअरेंजमेंट। ये जो न्यू कार्बोकेटायन बनता है रीअरेंजमेंट के बाद, ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज इटसेल्फ बाय द लॉस ऑफ अ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन लॉस करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। ये हाइड्रोजन कौन सा लॉस करता है? बीटा टू दी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, यानी वो हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बीटा पोजीशन पर होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्रोडक्ट इज अल्कीन। ज्यादातर जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो अल्कीन होता है। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, CH3 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 C और CH2 Cl। इसे कहते हैं नियो पेंटाइल। ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है इसे कहते हैं नियो पेंटाइल। CH3 C CH3 CH3 C, ये CH2 है और Cl। तो OH की मौजूदगी में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट में आप देखें क्या हो रहा है कि एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और ये Cl निकल चुका है और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, लेकिन दो बॉन्ड है बाकी दो हाइड्रोजन है, तो एक Cl और एक हाइड्रोजन वो भी निकल जाता है, पीछे एक हाइड्रोजन रह जाता है। अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन की चॉइस हो तो फिर ZF रूल फॉलो होता है, एलिमिनेशन का ZF रूल फॉलो होता है, जिसका मतलब है कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो बनती है। मैकेनिज्म इसका सिंपल है कि पहले ये लीविंग ग्रुप लीव करता है और कार्बोकेटायन बनता है। देखिए ये Cl यहाँ से गया तो इस कार्बन पर, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कार्बोकेटायन बना। तो ये पहली बात होगी जनरेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन जनरेट हो गए। आगे क्या होता है? फॉलोड बाय वन टू अल्काइल शिफ्ट, फिर वन टू अल्काइल शिफ्ट होती है, यानी सात सात वाले कार्बन पर अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखें, ये कार्बोकेटायन पे इस कार्बन पॉजिटिव जाते हैं, इस कार्बन से ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा क्योंकि इसको इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मिल चुके, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये मिथाइल ग्रुप लेकर उधर चला गया। देखिए हमारे पास एक नया कार्बोकेटायन बन जाता है, वन टू अल्काइल शिफ्ट हुई टू जनरेट एन अदर कार्बोकेटायन, दिस इज कॉल्ड वैगनर रीअरेंजमेंट। फिर क्या होता है? ये कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करता है बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बीटा यानी साथ वाले एडजस्टेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये लूज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाता है और ये हमारे पास एक एल्कीन हासिल होती है। स्टूडेंट्स, वाग्नर मीरवेन रीअरेंजमेंट की एक और एग्जांपल है आइसोबोर्नियोल। आइसोबोर्नियोल में एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन वाली एक रिंग है, साइकिल है, और फिर यहाँ से दो बॉन्ड आगे और यहाँ अल्काइल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप है दोनों, और ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, दिस इज आइसोबोर्नियोल। यहाँ पर OH है, तो ये OH यहाँ रिमूव होता है और जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होती है, ठीक है, दोनों में बस ये स्टेप है कि यहाँ से
जो OH है वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द जनरेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन। एक कार्बोकेटाइन बनता है। आगे क्या होता है इस रीअरेंजमेंट में, 1-2 अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है। देखें इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, देखें ठीक है, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ के यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके अटैच हो जाता है इस कार्बन से, यानी ये डायरेक्ट सीधा इससे बॉन्ड बना लेता है। तो ये बीच में से ऊपर को निकल जाता है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है इसका और डायरेक्ट इसका इससे बॉन्ड बना है। तो आप देखें आगे इसका इसका आगे ये बॉन्ड टूटा हुआ है और इसका डायरेक्ट इससे बॉन्ड बना है, ठीक है। ये वही चीज है, ये CH3 है, यहाँ पर मैंने 3 H इसके लैदा किया। अब अगले स्टेप पे देखें क्या हुआ है, 1-2 शिफ्ट से एक नया कार्बोकैटायन, दिस इज आल्सो कार्बोकैटायन। आगे क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो ये कार्बन अल्फा है पॉजिटिव चार्ज वाली, साथ वाली कार्बन बीटा, तो इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा एक और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ 2 H होंगे लेकिन वो सिंपलिसिटी के लिए शो नहीं किए, तो माइनस हाइड्रोजन आयन यहाँ से हाइड्रोजन है जो बॉन्ड, तो ये एक एल्कीन बनी, डबल बॉन्ड बनी जैसे पिछले एग्जांपल में। तो ये रीअरेंज होके ये मैंने यहाँ से मिटाया हुआ है, इट मीन्स के ये जो है ये डायरेक्ट एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड ऊपर है यानी हमारे आँख के सामने है, और ये जो थोड़ा मिटा हुआ है ये बॉन्ड आँख की पिछली साइड है, इसलिए इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉन्ड टूटा हुआ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड जो लाइन फुल है ये बॉन्ड हमारी आँख के सामने और जो लाइन कटी हुई वो आँख की पिछली साइड। तो ये रीअरेंज होके इस स्ट्रक्चर को इख्तियार कर लेता है। आपने ये ख्याल रखना है इसकी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है इसकी साइकिल में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉन्ड होने चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ये और ये डबल बॉन्ड भी मौजूद होना चाहिए और ये साथ साथ मौजूद होना चाहिए इधर। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ वैगनर बियरमैन रीअरेंजमेंट। याद रखें पहले कार्बोकैटायन बनेगा लीविंग ग्रुप के जाने से, फिर 1-2 अल्काइल ग्रुप की शिफ्ट होगी, नया कार्बोकैटायन बनेगा, फिर बीटा हाइड्रोजन लूज होगा और अल्कीन बन जाएगा।